एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए हैवी साड़ी डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने अलग अलग डिज़ाइन इसमें वेयर किया है और हैवी साड़ी है, बहुत अच्छा इसमें वर्क हो रखा है। तो नई दुल्हन टाइप की जो भी ब्राइड होती है वो अपने घर में भी ऐसे पहन सकती है स्टार्टिंग में या रस्मों में। काफ़ी अच्छी साड़ी है, हैवी सी है, वर्क है इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत अलग अलग तरीके से मैंने इसे वेयर किया है। देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, कितने खूबसूरत तरीके से साड़ी मैंने इसमें बांधा है। मैंने इसमें डबल पेटीकोट पहना है क्योंकि डबल पेटीकोट पे बहुत ही अच्छा प्लफी लुक आता है, इसलिए मैं मोस्टली जो साड़ी है वो डबल पेटीकोट पे ही पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्लफी लुक आता है। बाहर से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीद के वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ऐसे डबल पेटीकोट वेयर करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें अच्छे से हम टक कर लेंगे, जो साड़ी है उसी से मैचिंग पेटीकोट वेयर करें आप लोग। मैं अभी ऐसे ही घर में ही हूँ तो इसलिए मैंने अभी ऐसे किसी और कलर के पेटीकोट को वेयर किया हुआ है। आप लोग बाहर जाएंगे तो अपना मैचिंग ही आप वेयर करना। ये बिल्कुल न्यू साड़ी है और काफ़ी इसमें अच्छा बॉर्डर है, हैवी है, बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है इसमें। देखिए मैं एक इसमें राउंड दे चुकी हूँ, टक कर चुकी हूँ। ये कितने प्यारे प्यारे इसमें पेजेस लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है ब्लू एंड गोल्डन का। अभी हम इसे एक रैंडम पल्लू ऐसा बना लेंगे, बस उसे मेजर कर लेंगे कि कितना हमें पल्लू रखना है। इसमें बॉर्डर है तो काफ़ी अच्छा रहता है, बॉर्डर टाइप की साड़ी को अच्छे से वेयर करना और बनाना भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ये साड़ी ली है। न्यू है, काफ़ी अच्छा है और अभी शादियों का सीज़न है तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे अपने हैवी जो आपके पास साड़ी है, चाहे वो न्यू हो या पुरानी हो चुकी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे अच्छे से आप बस अलग अलग तरीके से वेयर कीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए जितनी लेंथ चाहिए, मुझे नीज से थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेंथ चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ आप रख लीजिए। और फ्लोर टच होनी चाहिए साड़ी, हमेशा फ्लोर टच ही अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप बाहर हैं तो फ्लोर टच ही होनी चाहिए। ये अच्छे से हम यहाँ पे कमर पे इसे या तो एक सेफ्टी पिन आप लगा लीजिए या तो उसे बस टक कर लीजिए। अगर आप बाहर पार्टी में जा रहे हैं तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए, बहुत अच्छा लुक देगा आपको। बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम बना लेंगे अपने प्लेट्स को, काफ़ी अच्छे से हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे। देखिए कितनी सारी प्लेट्स बनी है इसमें, बिल्कुल अच्छे से हम पेशेंस रख के प्लेट्स बना लेंगे अच्छे से और उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे तो फ्लोर टच में भी बराबर हो और ऊपर भी बराबर हो। आप चाहें तो एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें हल्का हल्का आप सारे जो प्लेट्स है उसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप कर देंगे, उससे बहुत ही अच्छा एक खिला हुआ लुक आता है प्लेट्स का और स्लिम ट्रिम में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है आपको स्लिम ट्रिम रखने के लिए। आप अपनी साड़ी से मैचिंग ब्लाउज या किसी भी तरीके का ब्लाउज जो भी आपको पसंद है वेयर करना, या मैं कहती हूँ आपके हमेशा कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे टॉप आते हैं, चाहे वो क्रॉप टॉप हो या बैलून टॉप हो, नेट होता है उसमें, बहुत टाइप के अच्छे अच्छे टॉप आते हैं आजकल, तो लोग बहुत रखते ही हैं उसे। तो आप किसी भी टॉप पे, अच्छे टी शर्ट पे या शर्ट को फोल्ड करके नॉट बांध के बहुत ही अच्छे तरीके से उसे अपने किसी भी साड़ी पे काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग लुक ले सकते हैं, काफ़ी फैशनेबल लग सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये देखिए जो साइड में थोड़ा सा प्लफी लुक दे रहा था जिससे कमर थोड़ी मोटी मोटी ना लगे क्योंकि साड़ी वहाँ से थोड़ी ढीली ढीली सी उठी उठी लगती है, तो हम वहाँ पे उसे अच्छे से टाइट करके पीछे टक कर देंगे कि बिल्कुल अच्छा फ्लैट लुक मिले कमर को। और अच्छे से हम प्लेट्स को देख लेंगे कि बिल्कुल सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, कमर पे भी एक अच्छा सा लुक आ गया है। और जब साड़ी नहीं बैठती है तो उसको बिल्कुल ऐसे करके सारे नीचे जो भी आपके बॉर्डर्स आते हैं उसको अच्छे से एक मुट्ठी से ऐसे करके थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए जिससे बहुत अच्छे से वो स्ट्रेट हो जाता है और साड़ी इसमें मुझटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं उस पर। बहुत लाइटली बस नीचे जो बॉर्डर है उस पर आप प्रेस कीजिए, वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है। अब हम पल्लू को अच्छी तरीके से एक साथ कर देंगे और बिल्कुल बेटर से उसको अच्छे से बना लेंगे हम। देखिए मैं प्लेट्स अच्छे से रख ली हूँ, हम पल्लू को अच्छी तरीके से बना लेंगे।
ये कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है, खिला खिला। ये कैमरे में इसका जो कमर की साइड जो प्लेट है वो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, क्योंकि साइज थोड़ी डार्क कलर में है, पर बहुत ही खूबसूरत सा, कहीं कहीं विजिबल होता है, कहीं कहीं नहीं होता, कि बहुत सारी डार्क ब्लू में है। तो काफ़ी अच्छे से बिल्कुल एक एक वर्क इसमें दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। ये कितना प्यारा लुक है, बिल्कुल आप अच्छे से अरेंज कर लें इसे, बिल्कुल फ्रोट टच है तो कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। आप साड़ी अगर बिल्कुल भी फ्रोट टच से ऊपर होती है तो बहुत बुरी लगती है, तो फ्रोट टच ही अच्छा लगता है। हम प्लीट्स बना लेंगे अब अच्छे से पल्लू की। साड़ी को जो बॉर्डर टू बॉर्डर पहनी जाती है उसमें भी आप सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर पे सेफ्टी पिन ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत मोटा हो जाता है, उस पर सेफ्टी पिन बड़ी से बड़ी भी बहुत मुश्किल हो जाती है, मुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। क्या करें, अगर आपको बॉर्डर टू बॉर्डर भी पहननी है ना साड़ी, तो आप बॉर्डर टू बॉर्डर से अच्छे से प्लीट्स बना लीजिए पल्लू की, लेकिन जो आप सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब देख लीजिए कि किस तरीके से आप उसे अच्छे से लगा पाएँ। अगर आपका बॉर्डर मतलब नॉर्मल है, जिससे बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, वरना कि अगर बहुत ज़्यादा बॉर्डर मोटे मोटे होते हैं तो उसमें सेफ्टी पिन लगाओ तो वहाँ अजीब सा हो जाता है। तो इसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख के अच्छे से लगाएं। अगर साड़ी का बॉर्डर बहुत हैवी है, उसे बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर बहुत छोटा हो जाता है, तो काफ़ी मोटा हो जाता है वहाँ पर, तो उसमें जब सेफ्टी पिन लगाते हैं तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है या लगता ही नहीं है। तो आप क्या करें, बिल्कुल हल्का सा बॉर्डर टू बॉर्डर से हल्का सा ज़्यादा ले और वहाँ सेफ्टी पिन लगाए, वो बहुत इजी लग जाएगा, परेशानी भी नहीं होगी। बाकी इसमें लग जाएगा सही से, तो हम इसमें बॉर्डर टू बॉर्डर ही अच्छे से रखेंगे। आप चाहें तो एक सेफ्टी पिन कमर के पास लगा सकते हैं और एक सेफ्टी पिन जो हमारे प्लेट्स हैं उसमें लगा सकते हैं। अगर आपको आपकी साड़ी टिकती नहीं है या आपको लगता है कि ये बहुत हैवी है नहीं सकेगी, तो आप लगा सकते हैं। और हम अच्छे से जो हमारा पल्लू प्लेट्स है उसको सही से बिल्कुल अरेंज करेंगे। देखिए नीचे कितना खिला हुआ लुक है इसका, देखिए कितना खिला हुआ लग रहा है, एक एक कलियां दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने इसे शोल्डर पे टक कर रखा है और यहाँ पे जो ये प्लेट्स है छोटी छोटी, उसे बॉर्डर के पास लेके अच्छे से हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो इस पे मैंने दो सेफ्टी पिन लगा रखा है, एक शोल्डर पे और एक थोड़ा शोल्डर से नीचे, और अभी एक मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाऊंगी। ये थर्ड सेफ्टी पिन है क्योंकि इसका लुक थोड़ा हैवी है। अब थोड़ा ये देखिए कवर हो गया, वो नहीं दिख रहा है, ये कितना तो खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको निवल नहीं शो करना है तो आप उसमें वहाँ पे साड़ी के पास आप एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए, साड़ी का जो पल्लू है उसे अटैच करते हुए सेफ्टी पिन लगा लीजिए, तो साड़ी खिसकेगी नहीं, नेवल शो नहीं होगा। वैसे नॉर्मली लोग नहीं लगाते हैं, कोई कोई लगा लेता है अगर लगता है कि नेवल ना शो हो डांस वगैरह करने में, तो लगा लीजिए, अगर नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। तीन सेफ्टी पिन लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से साड़ी बनती है, इसके एक एक जो कलियाँ हैं वो शो हो रही है, प्लेट्स बहुत अच्छे तरीके से बने हैं, चाहे वो बल्लू के हो या वो लोअर प्लेट्स हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ये बने। देखिए कितना प्यारा बॉर्डर टू बॉर्डर लुक मिला है, लेकिन अब प्यारा लुक लग रहा है। आप इस पर इंडियन ज्वेलरी हो या किसी भी टाइप की ज्वेलरीज आप जो भी पसंद है आपको वो पहन सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है ऊपर से, सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। देखिए कितना प्यारा प्लेट्स बना है, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम आप लगेंगे। आप बहुत सारी इस पर ज्वेलरी पहन सकते हैं, हैवी हो लाइट हो जो भी आपको पसंद हो। अगेन आप किसी भी टॉप को फोल्ड करके पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक लगता है। ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। ये कमर पे साड़ी का बॉर्डर इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसके पल्लू में जो है इसके बहुत लंबा जितना दिख रहा है इतना ही बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, और मुझे पल्लू थोड़ा लंबा रखना था तो फिर ये थोड़ा सा ही मतलब आगे से जहाँ तक दिख रहा है उसके थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना ही पल्लू है। मैं छोटा पल्लू मुझे पसंद नहीं है, अगर पल्लू छोटा करेंगे तो कमर के पास भी आ जाएगा जो उसका साड़ी का बॉर्डर है, बट छोटा मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने कमर के पास बॉर्डर नहीं लिया। अगर आपकी साड़ी में और भी ज़्यादा बड़ा है बॉर्डर, तो आप कमर के पास भी उसे अच्छे से रख सकते हैं, और कमर के पास रखेंगे तो फिर आपको वहाँ एक सेफ्टी पिन लगानी पड़ेगी। ये कितना खूबसूरत लुक लग रहा है, आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टाइल पे पल्लू सर पे रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक लगता है। देखिए बैक साइड भी बहुत ही अच्छा लुक आया है, कितना प्यारा लुक है। देखिए इसकी जो कलियाँ हैं वो अच्छे से विजिबल हो रही है, बहुत अच्छा शो कर रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए
आप चाहे तो सर पे पल्लू ले सकते हैं या जूड़े पे सेट कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ये कितना प्यारा लुक लग रहा है, ये देखिए। इसे मैंने आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन बताए अलग अलग तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और अलग अलग आपका लुक हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। या आप चाहें तो सर पे रख सकते हैं या आप जूड़े में टक कर सकते हैं। काफी आपको अच्छा लंबा पल्लू मिलेगा, काफी खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए आप ऐसे हाथ पे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक लगता है, ये रॉयल टाइप का लगता है, काफी खूबसूरत लुक लगता है। आप ऐसे हाथ पे रख सकते हैं इसे, चाहे तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं हाथ पे रख के, ये किसके ना आपको प्रॉब्लम ना हो, या तो ऐसे ही नॉर्मल रख सकते हैं। देखिए इसकी कलियाँ कितनी अच्छी से नीचे प्लेट्स के पास इतनी खूबसूरत तरीके से दिख रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप कितनी भी हैवी से हैवी साड़ी इस तरीके से पहनेंगे तो बहुत जल्दी पहन लेंगे और ज़्यादा आप परेशान भी नहीं होंगे। और डबल पेटीकोट पे ही पहने वो बहुत खूबसूरत लुक देता है, काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए कितना प्यारा खिल के लुक आता है, आप अगर डबल पेटीकोट पहनते हैं तो बहुत अच्छा खिल के लुक आता है। देखिए बैग से भी कितना अच्छा लग रहा है, और चाहे तो सर पे भी रख सकते हैं। ज़्यादा सेफ्टी पिन भी नहीं है, हैवी होने के बावजूद इसमें ज़्यादा सेफ्टी पिन नहीं है, तो 3 सेफ्टी पिन लगाया और बहुत खूबसूरत से साड़ी बंधी है, ना कहीं से खिसक रही है ना ख़राब हो रही है, फ्रंट साइड हो या बैक साइड दोनों से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। इस तरीके से आप रख सकती है हाथ पे, अभी थोड़ा ऊपर था, अभी जाए तो आप यहाँ हाथ पे रख सकती है, यहाँ भी अगेन आप सेफ्टी पिन लगा सकती हैं। ये कितना प्यारा लुक लग रहा है साड़ी का। आप इसमें अगर हील वेयर करना चाहते हैं तो हील वेयर कर लीजिए, उसके बाद साड़ी को वेयर कीजिए, या आप इतना लोअर रख के खुद कोई भी फुटवेयर इस पर पहन सकते हैं। अगर हील पहनना है या हील से रिलेटेड भी, तो आप पहले हील पहनिए फिर साड़ी पहनिए। आप चाहें तो इसे ऐसे अपने हाथ पे इसके बहुत ही अच्छे तरीके से एक ब्रिसलेट लुक या कंगन लुक बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। कितना प्यारा लुक लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इस पर एक आपको बंगाली स्टाइल भी दिखाऊंगी लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए, अगर आपको एक बंगाली लुक रखना है तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जो बॉर्डर टू बॉर्डर वाली साड़ी होती है उस पर ऐसा बंगाली लुक रखो तो बहुत प्यारा लगता है, और उसको बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए चाहें तो आप वहाँ पे एक छल्ला वगैरह जो होता है चांदी वगैरह का या नॉर्मल भी जो होता है वहाँ उसे अटैच कर दीजिए, काफ़ी खूबसूरत लुक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे अपनी पूरी ज्वेलरी के साथ ऐसे अपनी हैवी साड़ी को वेयर कीजिए, या लाइट ज्वेलरी आप जो भी पसंद करते हैं, या जिस भी फंक्शन में जा रहे हैं आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, शादी हो, रिसेप्शन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, पूजा पाठ हो, कहीं भी पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये कितना प्यारा लुक लग रहा है, ये तो ज़रूर ट्राई करें आप, बिल्कुल हैवी साड़ी पहनना इस ट्रिक से काफ़ी ईजी से हो जाएगा, सेफ्टी पिन भी नहीं लगेगा, ख़राब भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी साड़ी है, वेयर करने में भी काफ़ी ईजी रहती है, उस पर स्टाइल बनाना भी बहुत अच्छा रहता है, कंफर्ट रहता है बहुत ज़्यादा। देखिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हो रही है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही। मैंने काफ़ी वीडियो मैंने इसमें मतलब वीडियो जब से बना रही हूँ, जब से चल रही हूँ, टहल रही हूँ, तो कभी भी अभी तक इसमें कुछ भी खिसका नहीं है या ख़राब नहीं हुआ है, क्या बिल्कुल ऐसा हैवी सा नहीं लगा मुझे कि ख़राब हो रही है या ऐसा कुछ भी। कमर पे आप चाहें तो कमर बंद वगैरह या बेल्ट कुछ भी स्टाइल के लिए आप कमर पे बांध सकती हैं, जो भी आपके पास कमर बंद के टाइप का हो, चैन हो या कपड़े में हो, बेल्ट हो, कुछ भी। हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।